हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज हम लोग प्रीलिम्स 2023 के लिए सीसैट का कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस के ऊपर है। इसमें देखिए टिप ये है, कोई भी सीक्वेंस का सवाल आए ना तो पहले उसको ओपन कर लीजिए। एक गिवन सीक्वेंस है, यदि ओपन करेंगे तो ऐसे वर्टिकली ओपन कर लेते हैं, 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स लिख लेते हैं। एक्स इज द रिक्वायर्ड टर्म जिनको फाइंड करना। अब इस सीक्वेंस में अपने को एक पैटर्न फाइंड करना है, कोई भी सीक्वेंस में ट्रेंड होता है। तो अपने पहले क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे जो सेकंड टर्म सीक्वेंस का है फर्स्ट टर्म से किस तरीके से आ सकता है। अब 10 है, 10 फर्स्ट टर्म से किस तरीके से आ सकता है, दो तीन तरीके से आ सकता है, पर हम लोग इसमें देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे, 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट आ जा रहा है। फिर हम लोग सिमिलरली अगला टर्म देखेंगे 10। अब 10 10 से कैसे मल्टीप्लाई करके आ सकता है 1 से। इसी तरह हम लोग सारा नंबर जब देखेंगे 75 तक, जब हम सारा नंबर चेक करेंगे तो मिलेगा कि एक जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है 0.51, 1.52 सब हाफ हाफ करके इंक्रीज कर रहा है। तो 75 के बाद जब नेक्स्ट टर्म को पता करना है तो 75 टाइम्स क्या होगा, तो लास्ट टर्म 2.5 उसे हाफ ज्यादा, यानी कि 75 × 3 कितना होता है 225। इज द आंसर। देखिए ओपन करने से अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया आइडिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और टिप देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में टिप है सिंप्लीफाइंग एंड ऑब्जर्विंग। इसमें क्या क्वेश्चन में देखिए पावर्स गिवन है, 2 पावर 40, 3 पावर 21, 4 पावर 18, 8 पावर 12। आपने को बोला इसमें स्मॉलेस्ट कितना, कौन सा नंबर, इवन सेट ऑफ नंबर्स में से अपने को स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट पता करना है तो अपने उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने से पहले सिंस ये पावर्स में गिवन है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या कि वो लोएस्ट उनका जो फैक्टर है उसके टर्म में उसको लिख लेते हैं। अब 2 का लोएस्ट फैक्टर 2 ही है तो 2 पावर 40 में लिख लेते हैं। 3 का लोएस्ट फैक्टर 3 है उसको ऐसे रहने देते हैं। अब 4 का लोएस्ट फैक्टर 2 है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 पावर 18 यानी कि 2 पावर 36 होता है। ऐसे 4 पावर 18 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, का स्क्वायर पावर 18 इसका मतलब होता है ये 4 36। सिमिलरली 8 पावर 12 को अपने लिख सकते हैं ऐसे, 8 पावर 12 इज इक्वल 2 क्यूब पावर 12 4 36। ठीक है, ये हमने सिम्प्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे ऑब्जर्व। ऑब्जर्विंग में क्या करना है, अब अपने को स्मॉलेस्ट टर्म पूछा। अब सोचिए एक ही टर्म स्मॉलेस्ट होगा ना, दो टर्म तो स्मॉलेस्ट होगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि आंसर राइट होगा। तो सी और डी सिंस दोनों इक्वल है तो दोनों ही रॉन्ग होगा, तो चेक ही नहीं करना। अब दूसरा बात क्या है, अब देखिए 2 पावर 40 ए ऑप्शन है, जब 2 का पावर 36 जो सी और डी है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। 2 पावर 40 कैसे स्मॉलेस्ट हो सकता है, वो तो ए तो खुद ही सी और डी से बड़ा है, तो स्मॉल ए भी स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। क्या बचा अपने पास, बी। इन्होंने सॉल्व किया, अपने को पता चल गया कि ऑब्जर्वेशन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम 10 से 15 होते हैं सीसेट के अंदर, मैथ्स के 50-53 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन सीटर्स होते हैं। मैं ऐसे कुछ टेक्निक्स अपने को लगाने पड़ते हैं ऑब्जर्व करने वाला, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके, ये बात ध्यान रखना अपने को। देखिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में टिप है यूज डायग्राम। देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, इस क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया है, दो लोग बताए हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो लोग बताए हैं, ये लोग किस कुछ भाग रहे, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर फाइनल डेस्टिनेशन का दे दिया और बताया कि लोग कितने दूर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहता है, कुछ सिनेरियो एक्सप्लेन किया रहता है, कोई पाथ बताया रहता है, तो लोग डायग्राम बना लेते हैं। जिसमें क्या बताया, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर, 50 मीटर दोनों साथ में भागे, तो इस डायरेक्शन में दोनों भाग लिया, मान लिया एक्स और वाई ये रहा। अभी देखिए दोनों एक साथ भाग रहे हैं, पर एक के ऊपर तो भागेंगे नहीं, पैरेलली भागेंगे, इसलिए पैरेलली दिखाया। अब एक पॉइंट रीच कर लिया, मान लिया पॉइंट है पी, यहाँ पे रीच कर लिए, फिर एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, एक्स जो है वो राइट मूव कर गया, वो 60 मीटर भागा, फिर सिमिलरली वाई लेफ्ट टर्न कर गया, 40 मीटर भागा, यहाँ तक हो गया। फिर एक्स दोबारा जब पहुंच गया कहीं पे, यहाँ पहुंच गया एक्स, अब एक्स जो है लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया मैंने ऐसे लेफ्ट टर्न किया और 50 मीटर दोबारा भागा, और फिर वाई जो है सिमिलरली राइट टर्न किया, राइट टर्न यानी वाई यहाँ पे था, राइट टर्न किया और 50 मीटर भागा। अब दोनों कहीं पहुंच गए, वाई डैश और एक्स डैश बोलते हैं। अब बोला कि दोनों का डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस कितना है, हाँ पूछा। अब वाई डैश एक्स डैश का डिस्टेंस अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो क्लियरली दिख रहा है कि 40 + 60 होगा, क्योंकि दोनों भी सेम हाइट पे 50-50 पे, तो खाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ट्रेवल किया है, नहीं 40 + 60 दैट शुड बी रिक्वायर्ड आंसर, 100 आ गया डायरेक्टली। देखिए डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया, आपको एक्स्ट्रा चीज सोचना नहीं पड़ा, अच्छा राइट क्या लेफ्ट क्या, आप डायरेक्टली करते जाइए बस, राइट बोला राइट, लेफ्ट बोला लेफ्ट, इस तरह करने से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट। इस क्वेश्चन में देखिए टिप है डिविजिबिलिटी एंड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बेसिक टर्म है जिसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ये बात इंपॉर्टेंट है, आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल 5। क्योंकि दो क्रिटिकल कंडीशन ये दिया हुआ है, ईच डिजिट ऑड होना चाहिए। डिजिट क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। अब इसमें ऑड डिजिट कौन से है, 1, 3, 5, 7, 9, ये बात सबको क्लियर है। अभी ऑड डिजिट्स में जो है विदाउट रिपीटेशन अपने को 3 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग गलती से 1 पुट कर दिए तो 1 इन दोनों में कहीं नहीं हो सकता, तो बोलते हैं विदाउट रिपीटेशन। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए अब समझिए, पहला कंडीशन ये ऑड वाला पूरा हो गया, सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर इज डिविजिबल 5। अगर 5 से डिविजिबल होना है तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। अब ये 5 ही इनमें से 0 और 5 में से 5 ही खाली ऑड है, और ऑड नंबर बनाना, तो यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल 5 है, सेकंड कंडीशन गिवन है, इस यहाँ पे 5 फिक्स हो गया, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 हटा दिए क्योंकि अभी और कहीं नहीं बैठ सकता, विदाउट रिपीटेशन वाला बात है। अब 1, 3, 7, 9 में से अपने को यहाँ पे कोई दो नंबर बैठाना है, इतने तरीके से बैठा सकते हैं, सिंपल से अपने को तरीका पता है, 4C2 तरीका इनटू, अब दो नंबर चुन लिया अपने, उन्होंने बैठा दिया, अब उनको अरेंज भी कर सकते हैं ना, मान ली एक नंबर हमने यहाँ 1 बैठाया, यहाँ 3 बैठाया, तो एक और अरेंजमेंट भी हो सकता है ना कि यहाँ 3 हो या 1 हो, तो कितना पॉसिबल भी होगा, 2 वेज, तो भी दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, वो कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 factorial ways, तो ये अपना आएगा नेट आंसर, ये आंसर होता है 12। आपको सॉल्व करना नहीं आता तो कमेंट बताइएगा, मैं बता दूंगा। बेसिकली अपने करते हैं 4 × 3 × 2 factorial और गिवन 2 factorial और इंटू, क्या बचा अपने पास, 4 × 3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ टेक्निक्स और टिप्स हमने एज अ स्टार्ट सीसेट के ऊपर, और सीसेट का एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं,
बैठ के कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम्पल लेके हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे, एक या दो एग्जाम्पल लेंगे पर थीम पे, ताकि आपको सीसेट के लिए क्विक रिविजन हो सके। क्विक रिविजन सीरीज सीसेट का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इनिशिएटिव फॉलो करना है तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीसेट में एग्जाम में फेल ना हो और प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर सके। अब आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।